हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू अस एजुकेशन। आज हम करेंगे RBSC की पहली क्लास की हिंदी की किताब का सातवां, आठवां और नवां चैप्टर। आइए देखते हैं कि आपके जो सातवां चैप्टर है उसमें क्या बताया गया है। सातवां चैप्टर है उसमें बताया गया है कि था, पा, ओ से कौन से शब्द बनते हैं और ओ की मात्रा हम कैसे लगाते हैं। तो था, था से होता है थर्मस, थर्मस की है अजब कहानी, गरम चाय और ठंडा पानी। तो जो थर्मस होता है उसके अंदर अगर हम कोई गरम चीज़ रखते हैं तो वो गरम बनी रहती है, कोई ठंडी चीज़ रखते हैं तो वो ठंडी बनी रहती है। पा, पा से होता है पतंग, पतंग डोर से बंध जाती है, जिधर हवा हो उड़ जाती है। ओ से होता है ओखली, ओखली है कितनी सुंदर, कुछ भी कूटो इसके अंदर। तो जो ओखली होती है उसके अंदर हम कुछ भी कूट सकते हैं, पीस सकते हैं। मोर, माँ से होता है मोर, माँ पे ओ की मात्रा लगाएंगे तो बन जाएगा मोर। तो माँ पे लगी ओ की मात्रा तो बन गया मोर। मोर है सबके मन को भाता, पंख फैलाकर नाच दिखाता। तो जो मोर होता है बहुत सुंदर होता है देखने में और जो भी उसको देखता है वो मुग्ध हो जाता है, मोहित हो जाता है। अब हम देखते हैं आठवां चैप्टर। आठवें चैप्टर में आपके गा, ऊ और या और ऊ की मात्रा कैसे लगती है ये बताया गया है। तो गा से होता है गमला, गमला देखो कितना सुंदर, फूल खिल रहा इसके अंदर। ऊ, ऊ से होता है उल्लू, उल्लू की देखो क्या बात, जगता रहता सारी रात। जो उल्लू होता है वो रात को जागता है, दिन में सोता है। या से होता है यज्ञ, तो यज्ञ ऋषि जी करते रहते, सदा भले की बातें करते। गा, गा पे छोटे ऊ की मात्रा लगी तो बन गया गु। तो ये हो गया गुब्बारा। तो गुब्बारा ऊपर उड़ता जाए, हवा में लहराता जाए। तो जो गुब्बारा होता है उसमें गैस भरी होती है, तो क्या होता है जो गुब्बारा होता है वो आसमान में चला जाता है, आसमान की तरफ उड़ जाता है। अब हम देखते हैं आपका नौवां चैप्टर। नौवें चैप्टर में आपको बताया गया है टा, ऊ और धा और बड़े ऊ की मात्रा कैसे लगाते हैं। टा से होता है टमाटर, टमाटर देखो कितना लाल, सब्जी में मिलकर करे कमाल। तो जो टमाटर होता है अगर हम किसी सब्जी में डाल देते हैं तो सब्जी का जो स्वाद होता है, टेस्ट होता है वो बढ़ जाता है। ऊ से होता है ऊन, ऊन भेड़ से मिलती है, सारी सर्दी हरती है। तो जो ऊन होती है हमें कहाँ से मिलती है, जो शीप होती है, भेड़ होती है, वहाँ से हमें ऊन मिलती है। और हम क्या करते हैं, ऊन से स्वेटर बनाते हैं और सर्दियों में पहनते हैं, तो हमें ठंड नहीं लगती। धा से होता है धनुष, धनुष बाण से शोभा पाते, शूरवीर वो ही कहलाते। तो जो धनुष बाण होता है, धनुष होता है उससे क्या होता है, हम तीर होता है वो चलाते हैं, और जो शूरवीर होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत अच्छे से धनुष चलाते हैं और वो क्या कहलाते हैं, शूरवीर कहलाते हैं, वीर कहलाते हैं। चा, चा पे हम लगाएंगे बड़े ऊ की मात्रा तो बन जाएगा चूहा। चूहा सर पर दौड़ा जाए, कुतर कुतर कर कपड़े खाए। तो जो चूहा होता है बहुत तेज भागता है और क्या करता है, हमारी सारी चीज़ें जो होती हैं वो काट देता है। तो चूहा सर पर दौड़ा जाए, कुतर कुतर कर कपड़े खाए। तो कुतर कुतर का मतलब जो चूहा होता है वो क्या करता है, हमारे जो कपड़े होते हैं उनको काट देता है और काट काट कर वो जो कपड़े होते हैं वो खा जाता है। तो यहाँ पर हमारा सातवां, आठवां, नवां जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया। तो बच्चों आप इसको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।